हाय गाइस, दावत किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए लौंजी की रेसिपी, और उत्तर प्रदेश में इसको बोलते हैं गलका। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 5 कच्चे आम और वजन में ये हैं 600 ग्राम। सबसे पहले हम आम का छिलका निकाल देंगे इस तरीके से। दोस्तों, आम की लौंजी जो होती है, कच्चे आम की लौंजी, वो बहुत ही चटपटी और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। मतलब खट्टी मीठी बनके तैयार होती है। आप इसको चाहे तो कोरी खा सकते हैं, मतलब बिना किसी पूड़ी पराठे के। या फिर कभी आपने सब्जी नहीं बनाई हो तो आप सब्जी की जगह पे आप इसे पूड़ी पराठे या रोटी के साथ में लौंजी को सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होती है। और सारे आम छिल चुके हैं, उसके बाद मैं आम के छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ यहाँ पर। आप इसमें पीसेस अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लंबे लंबे छोटे छोटे पीसेस कट करके रखे हैं। ये देखिए, कुछ इसमें आम खट्टे मीठे हैं, कुछ हम इसमें प्योर खट्टे हैं। इसके बाद मैंने एक पैन गरम किया है। पैन गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। ऑयल अच्छे से गरम हो जाएगा तो मैं इसमें ले रही हूँ 1 टीस्पून दाना मेथी, 1 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून मैं ले रही हूँ यहाँ पे सौंफ। सौंफ इसमें थोड़ा ज़्यादा ही जाती है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और मैंने 1 चम्मच यहाँ पे लिया है, 1 टीस्पून लिया है कलौंजी। और इन सबको अच्छे से हम तड़का लेंगे। देखिए, अच्छे से तड़कने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मीठी नीम। मीठी नीम बिल्कुल ऑप्शनल है इसमें। मीठी नीम अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, ये बहुत ही हेल्दी होती है, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ ही आप राई का यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे कच्चे आम, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून काला नमक अच्छे स्वाद के लिए, 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं सफ़ेद नमक, और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाला है मुलेठी। मुलेठी भी बिल्कुल ऑप्शनल है। और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक हमने इसलिए डाल दिया है ताकि ये जो कच्चा आम है वो अच्छे से पक जाए। हम पहले इसमें गुड़ का यूज़ या फिर चीनी का यूज़ नहीं करेंगे। गुड़ या चीनी डालते ही जो कच्चा आम है या फिर कोई भी चीज़ होती है वो पकने में टाइम लेती है। मैंने इसमें 1 कप डाला है पानी, और इसको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स इस तरीके से। मिक्स होने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। आप इसे मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं होती है, इसके साथ ही इसमें कलर बहुत अच्छा होता है। और इसके बाद मैंने इसमें डाला है 1/4 टीस्पून गरम मसाला, और इसको अच्छे से एक बार वापस से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स होने के बाद मैं इसको 10 मिनट के लिए ढक करके पकने के लिए छोड़ दूंगी मीडियम आंच पर। 10 मिनट देखिए कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार मैं इसको चेक कर लेती हूँ। मैंने बीच में इसको एक बार वापस चेक भी किया था। ये देखिए, जो कच्चे आम हैं वो अच्छे से गलने लग गए हैं। देखिए, देख के ही ट्रांसपेरेंट लग रहे हैं, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ये कट हो रहे हैं, कितने अच्छे से मैश भी हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो कच्चा आम है वो गल के तैयार हो गया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ 150 ग्राम गुड़। 600 ग्राम मैंने यहाँ पे लिया था कच्चा आम, और उसमें मैं डाल रही हूँ 150 ग्राम गुड़। दोस्तों, इसे मिठास अपने स्वाद के अनुसार जाएगी। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं या फिर आपके जो सारे कच्चे आम हैं वो बहुत ज़्यादा खट्टे हैं तो इसमें शुगर की मात्रा या फिर गुड़ की मात्रा बढ़ जाएगी। इसको हम वापस से ढक करके 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे। 5 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए कितने अच्छा इसमें कलर आ गया है, और ये बहुत अच्छे से पक गई है। ये देखिए, कलर बहुत अच्छा आ रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है मुलेठी की इसके अंदर और कच्चे आम की। ये देखिए देखिए, हम इसको बिल्कुल इसी स्टेज पे बंद कर देंगे इस गैस को। हम इसको और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। देखिए, ठंडा होने के बाद आप देख रहे हैं इस पे कि ये और गाढ़ा हो गया है। तो ये हमारी लौंजी बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसको गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। आप इसको फ्रिज के अंदर 15-20 डेज के लिए प्रिजर्व भी कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको मेरी ये लौंजी की रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरे संग YouTube और Facebook पे जुड़ सकते हैं। नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक जरूर करिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे थंब का बटन है उसे क्लिक जरूर कर दीजिएगा। और फिर मिलती हूँ ऐसे ही बहुत सारी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फ्रेंड्स।